यदि अभी तक आप मेरे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक गुरु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे YouTube चैनल को। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप अपने साथियों के बीच में शेयर कर सकते हैं। यदि आप थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का टोटल क्लास करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पे टोटल वीडियो और नोट्स अपलोड करता हूं, ठीक है, और मैं वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालते रहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए आपको 500 रुपये पर पेपर पैड करना पड़ेगा, बट 7 डेज आप फ्री है, 7 डेज क्लास करके देखिए, अच्छा लगे तो आगे क्लास कीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए, टाइप्स ऑफ सोर्स दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट में दो प्रकार का, एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स में भी दो, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। करंट में भी दो प्रकार का, आइडियल करंट सोर्स प्रैक्टिकल करंट सोर्स। डिपेंडेंट में चार प्रकार का होता है, देखिए VDVS वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले हम चलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स को दर्शाना है, देखिए ये एक सैंपल ले लीजिए इस तरह का, ठीक है, ये आपका हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये हो गया आपका डीसी के लिए। एसी के लिए बस यहाँ पे चेंजिंग होता है, ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे कर दी, और इसका फॉर्मूला हो जाता है वीएम साइन ओमेगा टी लिखते हैं, ये एसी के लिए। चलिए, इस तो सैंपल था, देखते हैं आगे क्या होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स में। देखिए आइए, मान लीजिए आपका कोई वोल्टेज सोर्स है, ये आपका लोड है, मान लीजिए वी है, करंट पास हो रहा है आई। इस केस में रजिस्टर कुछ भी, जो मान लीजिए यहाँ पे सोर्स वोल्टेज है वही आपका लोड वोल्टेज होगा, चूंकि यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है। अब चूंकि रजिस्टर आइडियल है भाई, आइडियल वोल्टेज सोर्स तभी होगा जब यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। यदि वोल्टेज ड्रॉप हो ही गया तो वो तो आइडियल नहीं माना जाएगा, तो आइडियल तभी माना जाएगा जब उसका रजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो। तो इनिशियल इंटरनल रजिस्टेंस जो होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का, वो क्या होता है, जीरो ओम होता है, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो ओम होता है, और इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। लोड वोल्टेज का जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका लोड वोल्टेज और लोड करंट के बीच का ग्राफ एक कांस्टेंट दर्शाएगा, ठीक। तो आप ध्यान ये बात याद रखिएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा, और इस केस में जो आपका सोर्स वोल्टेज है वो आपका लोड वोल्टेज के बराबर होगा, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जब देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज, अब जो आइडियल वोल्टेज सोर्स अभी आपका था, इसी बीच में एक रजिस्टर लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम रजिस्टर लगा दिए कोई आरएस, अब इससे करंट पास हो रहा है आईएल, लोड वोल्टेज मेरा है वीएल, ठीक है। तो अब जो मेरा, आप देखिए सोर्स वोल्टेज आपका वी था, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज कहिए तो लोड वोल्टेज क्या है, वीएल है। तो भाई यहाँ पे जो आपका VL का वैल्यू होगा, क्या एक्यूरेट सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर आ गया, रजिस्टर आ गया तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ही। आप जानते हैं V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, RI, तो इसका वोल्टेज कितना ड्रॉप करेगा, RS इंटू करंट इससे पास हो रहा है IL। तो यहाँ पे VL बराबर क्या होगा, जो आपका ये वोल्टेज होगा, इस वोल्टेज में से ये घट जाएगा, आपका सोर्स वोल्टेज था V और आपका ड्रॉप वोल्टेज क्या हो गया, IL इंटू RL, सॉरी जो भी इसका एल नाम दिए हैं तो आरएल आरएल हो जाएगा, जो भी नाम दीजिएगा आप वो दे दीजिए, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप आपका घट जाएगा, ठीक है। अब देखिए करंट यदि यहाँ पे क्या होगा, लोड करंट आप यहाँ पे जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप वीएल का वैल्यू क्या होगा, उतना कमता चला जाएगा, चूंकि लोड करंट बढ़ेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा, चूंकि वी बराबर आ रहा है। तो यदि लोड करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो यहाँ पे लोड वोल्टेज तो घटता चला जाएगा, स्पष्ट है। यानी एक केस ऐसा आएगा जब वीएल जीरो होगा तो आईएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आरएस हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे अब वीएल आपका वीएल की जगह जीरो दीजिएगा तो आईएल का वैल्यू निकालिएगा तो वी अपॉन आरएस आपका हो जाएगा ना, चूंकि ई माइनस में उधर जाएगा प्लस में होगा, आरएल इधर गुना में, आरएल या आरएस जो भी नाम दीजिए वो आपका डिवाइड में हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। इसका सिंबल एक एरो बना के होता है, ठीक है, ये आपका करंट का सिंबल है, ठीक है, करंट का। ये डीसी के लिए, एसी के लिए आप दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से सिंबल दीजिए, ठीक है, और इसका वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी हो, ये तो सिंबल है आपके यहां सोर्स पे। देखिए आइडियल है तो कोई रजिस्टर, इंटरनल रजिस्टेंस
यहाँ पे जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस वो इन्फिनिटी ओम होता है, ठीक है, इनफाइनाइट होता है। और यहाँ पे जो आपका लोड करंट है, ये देख रहे हैं, जो आपका लोड करंट यहाँ पे आएगा IL, वो सोर्स करंट के बराबर होता है। बस आपको यही बात ध्यान रखना है, मेनली टॉपिक है, जो लोड करंट जो होगा सोर्स करंट के बराबर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, यही आपके एग्जाम में पूछता है। और लोड वोल्टेज और लोड करंट के बीच का ग्राफ जो निकलेगा यह ये कांस्टेंट हो जाएगा इस केस में। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, यहाँ पे इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बस जुड़ जाएगा, ठीक है। और इस केस में जो आपका करंट आय होगा सोर्स करंट, वो इस करंट और इस करंट इस दोनों के बार योग के बार सम के बराबर होगा। इस करंट का वैल्यू आय है तो इस करंट का वैल्यू क्या होगा, अब देखिए ये पैरेलल में है तो वोल्टेज इसका बीएल होगा और रेजिस्टेंस का आरएस है, तो करंट बराबर क्या होता है, बीए वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो ये आपका करंट हो जाएगा, इसका करंट यही ना होगा भाई, वोल्टेज यहाँ जितना है उतना ही वोल्टेज यहाँ भी होगा, बट करंट क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आपका इस कंडीशन में लोड करंट क्या हो जाएगा, लोड करंट आईएल जो होगा आई माइनस बीएल अपॉन आरएस हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स भी खत्म हो गया, ठीक है, इसमें एक दो चेंज घटते जाएगा। अब हम लोग चलते हैं डिपेंडेंट सोर्स, ये डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, देखिए इसका हम एक ट्रिक बताते हैं, एक ट्रिक से आप सारा याद कर सकते हैं। अब ये देखिए डायमंड के शेप में जो हम दिए हुए हैं, ये देखिए क्या है, एरो का मतलब क्या, करंट सोर्स। तो जो भी है आप पहले यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, केवी लिखा हुआ है, ये पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा। यहां पे देखिए क्या लिखा है, ठीक, KVX। तो यहां पे देखिए इस क्या है, करंट सोर्स है, तो नाम दीजिए करंट सोर्स, ठीक है। और ये क्या है, यहां पे भी दिया हुआ, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट, ठीक हो गया ना, तो इसको हम बोल देंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स आराम से। अब इसको देखिए इसका क्या नाम होगा, यहां पे ये देखिए क्या है, प्लस माइनस जब भी दिया रहे तो उसको वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, ये वोल्टेज सोर्स हुआ, ठीक है, ये पहचान, ये करंट सोर्स का पहचान है एरो, और प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स का पहचान है। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, पहले वोल्टेज सोर्स दे देंगे, ठीक है। अब क्या दिया है, KIX दिया, यानी करंट डिपेंडेंट हो गया ये, तो यहां पे हम करंट डिपेंडेंट शुरू दे देंगे, इस तरह से हम नॉमिंग करते हैं। इसका देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, BS नाम देंगे, और डिपेंडेंट भी क्या है, वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, तो BD शुरू लगा दिया, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये देखिए आपका करंट सोर्स है, और डिपेंडेंट किस पे भी है, करंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हो गया करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो कितना है जीता,